हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको डबल अस्तर वाला फोर टक्स ब्लाउज कटिंग करना बताऊंगी, वो भी बहुत सरल तरीके से। तो मैंने इस ब्रिक लिया है, ये डबल अस्तर वाला ब्लाउज है। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो ये अस्तर का फैब्रिक है, हमें इसको अच्छे से बिछा लेना है एज इट इज ऐसे। और ये अपना ओपन पार्ट है, तो इस तरीके से हमें इसे रख लेना है। ओपन पार्ट को हम अपनी तरफ रखेंगे सेम मेरी तरह, और फिर हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो ये ओपन पार्ट हो गया। तो हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो मैंने 12.5 इंच पे रखी है, और इसका शोल्डर है वो 6 इंच पे रखा है, और इसकी आर्म होल जितना शोल्डर रखा है उतनी आर्म होल रखेंगे 6 इंच पे मार्क करेंगे, और फिर इनको सीधी लाइन से ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल ऐसे। इस तरह से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इन सभी मार्किंग को। चेस्ट है वो 10 इंच की है, और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। इस तरह से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट मार्किंग हो गया। यहाँ से आर्म होल 1/2 इंच पे लेंगे, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है इसलिए, और फिर इसे गोल राउंड शेप दे देंगे। और इसकी नेक की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच पे रखी है मैंने, और इसकी लेंथ है वो मैंने 5.5 इंच रखी है। और इस मार्क को ऐसे मिला लेना है, मिलाकर फिर इसे गोल शेप दे देना है ऐसे। तो अपना फ्रंट पार्ट है उसकी मार्किंग हो गई। यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे, और फिर ये तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे, और वहाँ यहाँ से हम 1/2 इंच मार्किंग करेंगे, और यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तो अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो बैक पार्ट की जो लेंथ है वो पहले मुझे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ से इस तरह से, और फिर यहाँ से हम इसकी जो लेंथ है वो टोटल 14 इंच पे रखेंगे, जिसमें 1 इंच पे अपन स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे, बाकी 13 इंच इसकी लेंथ है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आर्म होल है वो 6 इंच पे लेनी है हमें, और फिर सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और इसकी जो चेस्ट है वो 10 इंच पे मार्क करेंगे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे फ्रंट पार्ट की तरह। और इसकी जो कमर है वो 9.5 पे रखेंगे, और 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, और इन निशान को आपस में मिला देंगे इस तरह से। इसको भी अपने मिला लेना है 1.5 इंच पे। अब इसकी आर्म होल की जो गोलाई है वो हमें बैक पार्ट में 1.5 इंच पे रखनी है, और इसे राउंड शेप में मार्क करना है बिल्कुल एज इट इज। यहाँ पे नेक की चौड़ाई है वो 2.5 इंच रखेंगे, और इसकी जो लंबाई है वो मैं 8.5 इंच पे रखूँगी, और इन दोनों निशान को मैं मिला लूँगी। नीचे की चौड़ाई भी मैंने गले की 2.5 इंच पे रखी है, और इस तरह से गोल शेप देना है। तो ये अपनी नेक की मार्किंग। अब हमें इसके आगे की नीचे की पट्टी है वो कट करनी है। तो मैं इसकी आगे की लंबाई 5 इंच रखूँगी, इसकी चौड़ाई है वो मैं 1 इंच पे मार्क की है, और इसके पीछे के पार्ट को 4 इंच रखूँगी, और ये तिरछी लाइन में ड्रॉ कर लूँगी। आगे से 5 इंच और पीछे से 4 इंच रखना है, और ये तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये अपनी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। जहाँ पर मार्क किया है सेम वहीं पर इसको कटिंग करना है इस तरह से।
इस तरह से ये अपनी कटिंग कंप्लीट हो गई। तो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में कर लेना है और ये अपना मेन फैब्रिक है। इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे नीचे की तरफ इस पट्टी को। अब हमें इस पे टक्स की मार्किंग करनी है, तो मैं यहाँ से 4 इंच पे लूँगी और ऊपर से 9.5 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी मैं और इसको 1.5 इंच पे मार्क कर लूँगी दोनों को। इस तरह से 1.5 इंच पे अपने को मार्किंग कर लेना। अब यहाँ से 1.5 इंच ऊपर से की तरफ लूँगी और फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। हमें बीच का गैप 1.5 इंच का रखना है। यहाँ से भी मैं 1.5 इंच पे मार्किंग करूँगी और यहाँ नीचे से मैं 1 इंच पे रखूँगी और यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। दोनों निशान को मिला लेना है मेरी तरह और फिर यहाँ से मैं 1.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। पूरे गोलाई को हमें 1.5 इंच पे रखना है और इस तरह से फिर इसके बीच में से इसको तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। तो ये अपनी 4 टक्स की मार्किंग हो गई। अब हम इसको इसके ऊपर रख लेंगे ताकि ये निशान इसके ऊपर भी सेम मार्क लग जाए। ऐसे हमें तपतपा लेना है और फिर इसकी मार्किंग हमें लगा लेनी है। थोड़ी थोड़ी दिखता है तो उस पर हमें मार्क कर लेना है। तो ये मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अभी हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। अगर आपको स्टिचिंग पार्ट देखना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और इस पट्टी को हम यहाँ पे लगा लेंगे। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसके बीच के शोल्डर से हमें इसको देख लेना है, एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर हमें यहाँ पे 5 इंच पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है बिल्कुल एज इट इज। और मैं 1 इंच पे इसमें स्टिच करूँगी और इसको भी हम सेम रख लेंगे ताकि ये निशान सेम रखे। तो इस तरह से इसकी मार्किंग हो गई। अब इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसको सबसे पहले हमें बिछा लेना है और बिछाने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लेना है ऐसे। अब हमारी जो चौड़ाई है वो मैं 9.5 इंच पे रखूँगी और इसकी जो लंबाई है वो मैं 7.5 इंच पे रखूँगी। बाजू की चौड़ाई है वो भी मैं 7.5 इंच पे रखूँगी इस तरह से। और यहाँ से नीचे से मैं 1.5 इंच पे मार्क लगाऊँगी और फिर ऊपर से इसको तिरछी लाइन से मिला लेना है और यहाँ से भी हमें तिरछा करके इस निशान को मिला लेना है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये बाजू की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई। अब हमें आगे से आर्म होल 1/2 इंच पे गोल शेप में देना है ताकि आगे झोल ना रहे बाजू में। अब हम इसके ऊपर के फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो सेम हमने जो फैब्रिक कट किया है अस्तर का, उसको हम ऐसे कैसे इस पर सेट कर लेंगे, सेम मार्किंग वैसे ही करेंगे। इसको हमें ऐसे रख लेना है। बाजू को भी हमें रख लेना है बिल्कुल सही तरीके से, इस तरीके से हमें इसको रख लेना है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है जहाँ जहाँ पे इसको रखा है। तो ये कटिंग कंप्लीट हो गई। अगर आपको इसका स्टिचिंग पार्ट देखना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।